सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है शॉबी ब्लॉग। जी हाँ दोस्तों, आज से लॉन्ग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं काफ़ी महीनों के बाद, क्योंकि शॉर्ट वीडियो तो मैं ऐसे डालता रहता हूँ अपने चैनल पे, मेरे चैनल पे जिसमें आप देखते रहते हैं शॉबी ब्लॉग पे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज लॉन्ग वीडियो बहुत महीनों के बाद डाल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कामों में, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में उलझा पड़ा था, इसलिए आज से लॉन्ग वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज डालूँगा जैसे जैसे, वैसे मैं नॉर्मली लॉन्ग वीडियो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे डालता हूँ। ऐसा नहीं कि कंटेंट बनाने के लिए, रोज़ाना वीडियो डालने के लिए कुछ ना कुछ बना के डाल दूँ। तो इस बार मैंने सोचा है कि लॉन्ग वीडियो डालूँगा जब भी मुझे कोई कंटेंट मिलेगा, कोई चीज़ के मेरे साथ हुई हो या फिर एक्सपीरियंस हो मुझे उस चीज़ का, तो उस हिसाब से मैं लॉन्ग वीडियो बना के डालूँगा। तो मैं ट्रैवलिंग करूँगा, उसके भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे, लॉन्ग वीडियो, और जो भी मेरे साथ पर्सनल कुछ भी एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि आगे जाके सबको काम लगे, ये नहीं कि कोई भी वीडियो उठा के मैं डाल दूँ। तो दोस्तों, आज कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आज जो अभी इंडिया का मैच चल रहा है विशाखापट्टनम में, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, तो यशस्वी जायसवाल के बारे में, वो मैच देखते देखते मुझे लगा कि हमें सहवाग मिल गया है। ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज़ आपको भी एक्सपीरियंस हुई होगी, ये चीज़ आपको भी फील हुई होगी कि जब यशस्वी जायसवाल खेलते हैं तो सहवाग वाली वाइब्स आती है। सबको लग रहा होगा और सबके दिल में ये फीलिंग होगी, लेकिन मुझे लगा मुझे ये वाइब्स, मुझे ये फीलिंग्स YouTube पे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि यशस्वी जायसवाल जब खेलते हैं तो सहवाग वाली फील सबको आती है। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए, शेयर करने आपके साथ। तो दोस्तों, बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की। जी हाँ दोस्तों, आज भी विशाखापट्टनम में जो मैच चल रहा है वहाँ पे शतक ठोका है, और शतक कैसे ठोका है, सहवाग की तरह वो शतक ठोका है। जी हाँ दोस्तों, जब 100 में उनके रन बाकी थे तब 6 लगा के उन्होंने अपना 100 पूरा किया, और एकदम घातक बल्लेबाज की तरह खेल रहे थे। जी हाँ दोस्तों, तो इसी तरह हमें वो सहवाग की याद दिलाते हैं, यशस्वी जायसवाल हमें सहवाग की याद दिलाते हैं। उनकी बैटिंग जहाँ भी देखो, आप IPL में देखो या टेस्ट में देखो या फिर वनडे में देखो या 2020 में देखो, या जी हाँ दोस्तों, हर जगह आपको सहवाग की फीलिंग आएगी जब यशस्वी जायसवाल खेलते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी है, इस चीज़ के बारे में मुझे आपके साथ बात करनी है। तो जिसे भी लगा हो कि सही में यशस्वी जायसवाल सहवाग की तरह खेलते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करना, बैड कमेंट, अच्छे कमेंट, जो भी आपको लगे, लेकिन कमेंट जरूर करना, तो हमें लगे कि नहीं सही है, हमने सही वीडियो बनाया है, सही चीज़ पे वीडियो बनाया है। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की ये दूसरी सेंचुरी है, उन्होंने वेस्टइंडीज वाले सीरीज में भी एक सेंचुरी मारी थी, और आज इंग्लैंड वाले मैच में भी उन्होंने सेंचुरी मारी है। सहवाग की 100% उसमें वाइब दिखती है। जी हाँ दोस्तों, सहवाग की जो बैटिंग थी यही इस तरह की घातक बल्लेबाजी ही करते थे हर वक्त, उनको कभी लगता नहीं था, टेस्ट में भी आप देखो आपको कभी नहीं लगेगा कि हम और आप टेस्ट देख रहे हैं, कभी लगेगा नहीं आपको, क्योंकि उनकी बैटिंग इतनी फास्ट थी, अगर वो टेस्ट हो या वनडे हो कुछ भी हो, सहवाग हमेशा फास्ट खेलते थे और वही एक अच्छा मोमेंटम दिला के जाते थे इंडिया को हर बार, क्योंकि उनकी बैटिंग यही थी, वो ओपनिंग आते थे, ओपनिंग आके अच्छा फास्ट खेलते थे। लेकिन यशस्वी जायसवाल को आप देखेंगे, वो डिफेंस भी अच्छा कर रहे हैं, जिस बॉल पर अच्छा डिफेंस करना हो डिफेंस भी कर रहे हैं, जिस बॉल पर अच्छा खेलना होता है तो उसको तेज़ी से घुमा देते हैं, तो वो 6 या बाउंड्री चली जाती है, लेकिन उनका फास्ट खेलने का तरीका बिल्कुल अंदाजे भैया सहवाग का ही है, सहवाग जैसे ही खेलते हैं और सहवाग जैसे ही बैटिंग करते हैं। इसीलिए जब मैं मैच देख रहा था, और मैं उनको काफ़ी दिनों से ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि उनको जब भी देखता हूँ तो उनकी बैटिंग आती है, तब देखने को मज़ा आता है, क्योंकि वो सहवाग जैसी बैटिंग करते हैं। जब सहवाग भी खेलते थे उनके समय में, उनके दौर में, तो उस वक्त में मज़ा आता था, जब वो टेस्ट खेलते थे सहवाग, तो जब उनकी बैटिंग होती थी तब भी हम अच्छे से देखते थे, और जब वो जैसे ही वो आउट होते थे और द्रविड़ वगैरह आ जाते थे हम टीवी के आगे से उठ जाते थे, लेकिन सहवाग वनडे की तरह 2020 की तरह खेलते थे तो हम देखते थे कंटिन्यू। जायसवाल भी ऐसे ही खेल रहे हैं, इसीलिए हम टेस्ट देखने में मुझे तो खुद मज़ा आ रहा है, पर्सनली आप लोगों को भी शायद मज़ा आता ही होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ये चीज़ मुझे लगी, मुझे तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और हम आशा करते हैं कि विशाखापट्टनम वाला ये टेस्ट इंडिया कैसे भी जीत जाए, क्योंकि अभी इंडिया 1-0 से पीछे है, तो कैसे भी करके इंडिया को जीतना है, ये सीरीज़ को कैसे भी करके जीतना है, क्योंकि भारत में है, भारत की कंडीशन भारत के हिसाब से भारत की टीम को शूट करती है, तो उस हिसाब से इंडिया को ये सीरीज़ जीतनी चाहिए, और आगे जाके WTC वर्ल्ड कप भी आएगा, तो उस हिसाब से भारत को किसी भी तरह ये सीरीज़ को लेवल करना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नए इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बाय बाय।